लेकिन वो फिर भी झुलस गया और जल गया। ये सामने में देख सकते हैं कि बच्चे का पैर किस तरह से जला है। और उसके बाद सरकार से क्या अपील करना है? देने के लिए क्या सामने में बकरी भी है और वो भी जल के खाक। आप देख सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा उतना जूम नहीं करिएगा क्योंकि अलाउ नहीं होता। मेरा रूम है नबीसा खातून का, ये मेरा मैं कमाते हैं, मजदूर करते हैं, लेबर में खटते हैं तो खाते हैं, नहीं तो भूखे रहे। ये देख सकते हैं दो धूर तीन धूर में सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं उम्मीद 27। अभी हम उपस्थित हैं कमरकाला पंचायत में। मेरे सामने में मोहम्मद जालू जी हैं जिनका सुबह में किसी कारणवश आग लग जाती है और उसके बाद पूरा घर जलकर खाक हो जाता है। जब तक ग्रामीण यहाँ पे आते हैं बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन जब तक पूरा जलकर खाक हो जाता है। अभी ईद का समय चल रहा है, रमजान है, ईद की सारी मार्केट की जाती है, बाल बच्चे की सारी, और जो इसी में नया नया कपड़ा ला के रखा जाता है सब जलकर खाक हो जाता है। यहाँ तक कि दाना भी नहीं बचता है, सब जलकर खाक हो जाता है। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से आग लगी। आग लगी सवेरे में 6 बजे खाना बना रहा था तो बच्चा था, तो वो पानी लाने दिए, पानी आना से ले जाता था उसमें खा लिया। आपको बता दे कि अंदर में 2 बच्चा भी था, ग्रामीण कोशिश करके उसको निकाले लेकिन वो फिर भी झुलस गया और जल गया। ये सामने में देख सकते हैं कि बच्चे का पैर किस तरह से जला है। और उसके बाद यही वो बच्चा है जो अंदर रह गया था। और उसके बाद ये फैमिली है, इनका देखिए फेस पूरा जलकर। ग्रामीण की किस तरह से आपको निकाले? गए हम बच्चा को झिकने के लिए ना, तो हम झिक के पकड़े आगे, हमको लापट पकड़ लें, हम भी गिर गए साथ उस सब करके। क्या नाम है आपका? मेरा नबीसा खातून। आप बताइए कि आप उस टाइम पे घर में थी तो बच्चा क्या करने गया? नहीं मैं नहीं था, मुझे पानी लाने। ये सोया हुआ था उसी टाइम पे आग लगी और आप उसको बचाने के लिए गए तो आपका मुंह झुलस गया। देख सकते हैं सामने में यही वो घर है। और देखिए यहाँ पे कि जब तक ग्रामीण दमकल स्टार्ट करके पूरा बुझाने की कोशिश कर रहे थे, ये दाना देख सकते हैं कि थोड़ा सा चावल बचा हुआ है, ये चावल, ये आटा सामने में देख सकते हैं, बाकी राख हो गया है, ये आटा दिख रहा है थोड़ा सा, और ये दाल दिख रही है, देख सकते हैं आप दाल थोड़े बची हुई है, ये चावल है, ये चावल देख सकते हैं कि चावल, और उसके बाद कपड़ा सब खाक हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं खाक हो गया। पड़ोसी का भी सामने में घर था ये छत वाला, जिनका विंडो में आग लगी, अंदर जो थोड़ा सामान था वो भी जलकर खाक हो गया, ये देख सकते हैं। और ये बाजू में किसका घर था? ये आग लगा यहाँ और उसके बाद इसके चपेट में ये भी घर आया। टोटल 3 फैमिली का परिवार का घर जल गया है। क्या ये किसका घर है आपका? क्या नाम हो गया आपका, बोलिए। कितने दिन लगा आपको ये पूरा जोड़ने में, चीतने में, इतना सा घर बनाने में और जलकर खाक हो गया? सरकार से क्या अपील करना? देने के लिए करकट के पैसा देने के लिए। देखिए इन लोग का फैमिली है, एक एक पाए जोड़ कर बनाने में करकट का घर बनाते हैं क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, ना किसी को देखने वाला। सरकार वैसी नहीं है कि जो अच्छे से तरक्की कर सके जनता का, एक एक पाए जोड़ कर घर बनाते हैं लेकिन किसी कारणवश या उसके बाद पड़ोसी की में आग लग जाती है जिसके कारण इनका भी पूरा जलकर खाक हो जाता है। 10 मिनट में पूरा जलकर खाक हो जाता है, पूरी जिंदगी की कमाई बर्बाद हो जाती है। कितना दिन लगा था आपको घर बनाने में? साल भर। क्या करते हैं आप? हमका मजदूर अभी आदमी। वृद्धा पेंशन मिलते हैं? हाँ। कितना मिलता है? 400। और कोई काम नहीं करते? वृद्धा पेंशन के सहारे कैसे भी करके अपना घर चलाते हैं और उसके बाद जो सरकार की तरफ से राशन मिलता है उसी से। और एक एक पाई जोड़ कर इन्होंने कितनी मुशक्कत से आप देख सकते हैं कि बनाया और सब जलकर खाक हो गया। सामने में बकरी भी है और वो भी जल के खाक। आप देख सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा उतना जूम नहीं करिएगा क्योंकि अलाउ नहीं होता। वो सामने में बकरी है और वो भी जलकर खाक हो गई। बर्तन उर्तन सब भी था, बेटी उटी के लिए दहेज के लिए भी बर्तन रखा था किसी ने, वो सब भी जल, जेवर उबर सब था।
बेटी की शादी के लिए भी रखा था क्या? जी सर, बेटी शादी करने के लिए जेवर उबर सब बना कर रखे थे। वो मेरा रूम है ना, विशा खातून का है, मेरा मैं कमाते हैं, मजदूर करते, लेबर में खटते हैं तो खाते हैं, नहीं तो भूखे रहे। ये देख सकते हैं दो धूर तीन धूर में सबका घर बना हुआ है। हमको लगा था कि दो तीन फैमिली का घर जला है, लेकिन अभी पता चल रहा है एक और फैमिली का। ये नबीसा खातून का घर है, ये अपनी बेटी के लिए जो भी जेवर सामान लेबर में खटते हैं। अच्छा, इधर 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 लेबर में खट। अच्छा, आपका हस्बैंड क्या करता है? नहीं है, मर गया। मर गया। देख सकते है कि मौसमात है और कैसे भी एक एक पाई जोड़ किया कि लेबर में खट के अपने बच्ची के लिए जेवर का सामान बनाते हैं और एक एक सेकेंड में जलकर खाक हो जाता है। ये देख सकते हैं कि लोहिया का क्या हाल समाचार है, कितना भीषण आग थी कि लोहिया बरक के खाक हो गई है और इसके बाद इसमें भुजिया ऐसे ही पड़ी हुई है और देखिए कि पेटी ऐसे ही पड़ गई। और उसके बाद इधर जो भी राशन था, मतलब कि जो घर में खाना सब्जी बन गया, सामने में आपके देख सकते हैं कि एकदम जल के खाक है। और ये पड़ोसी है बाजू में, इनका भी विंडो जल गया, तो टोटल चार फैमिली का जला है। ना अभी तक कोई प्रशासन को इन्फॉर्म हुआ है और ना कोई प्रशासन यहाँ पे आई है। मुखिया जी आए थे, वो आश्वासन दे के गए हैं कि जो हो सकेगा हमारी तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से उसको मुहैया कराया जाएगा। ग्रामीण इनकी सपोर्ट में है जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं और आगे जाएंगे विरोल में। आपने अभी तक सीओ साहब को इन्फॉर्म किया कि नहीं? सर, हम लोग सीओ साहब मुखिया जी आए थे, मुखिया जी जो कहे हैं कि हम अभी तक फौरन सीओ साहब को खबर करते हैं इसका जो पूरा। अच्छा, ग्रामीण की हैसियत से आप ये बताइए कि क्या क्या इनको मुहैया होना चाहिए, अभी जो इनको रहने के लिए छत भी नहीं है, सर पे साया नहीं है, सब चला गया। सबसे पहली बात है कि सर, ग्रामीण से हम लोग ये करना चाहते हैं कि रमजान का समय चल रहा है, पहले तो इसका जो है शाम का बच्चा लोग का खाना पीना हो और इसका कपड़ा बस्तर की तैयारी हो, तो वो हम लोग कर रहे हैं। इसका खाना पीना का इंतजाम जो होगा वो करवाया जाएगा। आपको बता दे कि रमजान का आखिरी अपील है कि इनकी जो है घर का देखरेख भरपूर करें। हम ये कहेंगे सरकार से, हम ये अपील करेंगे कि इनकी भरपूर मदद करें। आपको ये बता दे कि रमजान का आखिरी टाइम चल रहा है और इस समय पे सारे लगभग 99% फैमिली अपना फैमिली के लिए कपड़ा उपड़ा खरीद लेते हैं, एक एक पाई जोड़ के जैसे भी होगा अच्छा खराब सब ले लेते हैं, नया कपड़ा खरीद लेते हैं सब, और उस समय पे आग लग जाता है। अब इनके पास टाइम भी नहीं है कि अब अपना फिर से कुछ रोजगार मजदूरी करके बच्चे लोग की भरपाई कर सके और उसके बाद अपना घर बना सके। कैसी स्थिति होगी इनकी कि दो तीन दिन के बाद से ईद है और इनके सर पे ढाकने के लिए कोई छत नहीं रहेगा, कोई तिरपाल नहीं रहेगी, इनका पाए पाए जुड़ा हुआ, वो सामने में उनका हस्बैंड डेट कर जाता है और उसके बाद कैसे भी करके वो माँ के घर पे रहती है और छोटा सा घर बनाती है, बच्चे के लिए जेवर का इंतजाम करती है कि आगे चल के उसकी शादी करेंगे, लेकिन वो भी जेवर खाक हो जाता है, पूरा खाक बन गया। ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे गुल्लक है, इसमें बच्चे लोग एक दो रुपया, तीन रुपया, चार रुपया करके जमा करते हैं कि कभी काम आएगा तो एक दफे निकाला जाएगा, लेकिन वो भी जल के खाक हो गया। ये प्लास्टिक की छोटी सी बाल्टी है, बर्तन है, सब जल के खाक हो गया। क्या कहना, बहुत अफसोस होता है कि ऐसी ऐसी जगह पर हम जाते हैं, न्यूज करते हैं और उसका सरकार अच्छी तरह से मुहैया नहीं कराती है ऐसे फैमिली को। बस हो सकता है जो अनुदान ब्लॉक लेवल पे मिलता है 9,500 रुपया, वो भरपाई कर देती है और उसके बाद बस मसला खत्म हो जाता है। आपको लिखित में अब एप्लीकेशन देंगे कि नहीं देंगे? आप जी, हम लोग देंगे, दिया जाएगा। जी जी, हम सरकार से ये कहते हैं पूरा भरपाई करें। आप लोग ग्रामीण स्तर पे बहुत गरीब है, ग्रामीण स्तर पे क्या इसका उपाय कर रहे हैं कि कुछ अभी जो सर पे छाया मिल सके? ग्रामीण है हम लोग भरपूर, जहाँ तक का हम लोग से मदद होगी हम लोग वो करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन हम हमेशा एक चीज कहते हैं कि सरकार से हम ये कहेंगे कि सरकार जितना ज्यादा से ज्यादा हो वो चुटकी भर जो दे देते हैं, चुटकी भर नहीं चाहिए। सरकार से ये अपील है कि भरपूर मदद करे जो इसका छत बन जाए और रहने का सही ठिकाना हो। सरकार से भी अपील है और ग्रामीण से भी हम यही अपील करेंगे कि ये बहुत गरीब फैमिली है, इसका आप जो हो सके 2-4 रुपया, 10 रुपया, 200 रुपया जो हो सके आप तो जल्द से जल्द इनको मुहैया कराएं, अपनी तरफ से फंड राइज कराएं जिससे इनके जो भी जला है, क्षति हुआ न बहुत तो थोड़ा तो हो जाए, जो इनका फैमिली चलना चालू हो जाए, जो अभी थप से रुक गया है। कितना देर लगा कि जब तक दमकल चालू किए और कितने देर में खा? आधा घंटे के अंदर में ये पूरा
खाक हो गया और उसके बाद डंपल में जला के चला के समय आधा घंटा चला, उसके बाद इसको मुझाया गया। यहाँ पे ज्यादा कोई फैमिली मतलब उनका तो हस्बैंड नहीं है, लेकिन ग्रामीण उन्हें सपोर्ट किया और उसका दमकल चालू किया। और दमकल से चालू करने में जब जितना टाइम लगा, जब तक मैं झुलस के खाक हो गया। मिलेंगे फिर एक और नई कहानी के साथ, जुड़े रहे उम्मीद 27 के साथ। धन्यवाद।